नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के किसानों ने शुगर मिल के आगे धरना देकर सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। इन किसानों ने पहले से ही ऐलान कर दिया था कि अगर सरकार ने जल्दी गन्ने के भाव में इजाफा नहीं किया तो वे 5 दिन तक मिल के कांटे 2 घंटे के लिए बंद कर देंगे और मिल के आगे धरना देंगे। एशिया की नंबर 1 माने जाने वाली यमुनानगर की सरस्वती शुगर मिल के बाहर भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने धरना प्रदर्शन कर 2 घंटों के लिए मिल के कांटों को बंद कर दिया। किसानों ने मिल के कांटों पर बैठकर गन्ने की तुलाई भी रोक दी और गन्ने के भाव को न बढ़ाए जाने को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास भी निकाली। आपको बता दी कि किसान 2 घंटों के लिए मिल के कांटों पर तो बैठे ही, साथ ही बाद में गन्ना यार्ड पर धरना देकर सरकार के खिलाफ दिन भर हल्ला भी बोलेंगे। दरअसल गन्ने के भाव 450 रुपए करने को लेकर सरकार पर किसान बार बार दबाव बना रहे हैं। पहले भी किसानों की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया था। किसान मंत्रियों के घरों के आगे गन्ना भी लेकर पहुंचे थे और सुनवाई न होने पर बड़े आंदोलन की तरफ इशारा भी कर रहे थे। हालांकि अभी किसान 9 जनवरी तक मिलों पर धरना प्रदर्शन करेंगे और बाद में 10 जनवरी को करनाल में एक महापंचायत कर गन्ने के भाव को बढ़ाने को लेकर एक बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं। किसानों की माने तो पहले भी इसी तरह सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी और अब फिर से किसानों को मजबूरन दिल्ली का घेराव करना पड़ेगा। अब फिर से सरकार कुछ ऐसा ही करने के लिए किसानों को मजबूर कर रही है। जगाधरी से हमारी संवाददाता गुरप्रीत कौर की रिपोर्ट। जो मिल के कांटे पर बैठे हैं, यहाँ पर जाम किया है, क्या रणनीति क्या है किसानों की, क्योंकि अभी काफी लंबी लड़ाई अभी सामने आ रही है। लंबे समय से किसान गन्ने के दाम को लेकर मांग कर रहे हैं, कई बार धरने पर दर्शन कर चुके हैं, मंत्रियों के दरवाजे पर धरना दे दिया है, सरकार के पुतले तक जला लिए हैं, विधानसभा में मुद्दा उठ चुका है, लेकिन हरियाणा सरकार गन्ने का दाम नहीं बढ़ा रही। उसी के तहत सरकार को चेताने के लिए संकेतिक रूप पर आज पूरे हरियाणा प्रदेश में जितनी शुगर मिले हैं उन सभी के कांटे बंद किए हैं 2 घंटे के लिए, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, और धरना जारी रहेगा 9 तारीख तक। हर शुगर मिल पर यमुनानगर के किसान सरस्वती शुगर मिल पर बैठे हैं और बैठे रहेंगे। 5 तारीख से 9 तारीख तक हमारा धरना जारी रहेगा। तो क्या आगे की जो रणनीति है, 10 तारीख को एक महापंचायत होने जा रही है, उसमें क्या डिसीजन लेने जा रहे हैं किसान, क्योंकि पहले भी आंदोलन लंबा चला था, अब फिर मुझे लग रहा है कि उसी राह पे चल रहे हैं किसान। बिल्कुल, शायद सरकार किसानों को सड़कों पर बैठाने के लिए राजी है। सरकार चाहती है किसान सड़कों पर आए, उग्र हो और एक लंबा आंदोलन करे। आने वाली 10 तारीख को करनाल के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश की एक महापंचायत होगी और जिसमें निर्णय लिया जाएगा, या तो वो शुगर मिलों को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का हो जैसे 2012-13 में किए थे, या फिर करनाल के ही अंदर सीएम सिटी में जीटी रोड को जाम करने का हो, वो निर्णय 10 तारीख की पंचायत में हो। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।